वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कुछ 2-3 महीने पहले तक ऐसा था कि कुछ लोगों को जिसको आता था वो भी अब बंद हो चुका है, तो इतना मसला हो गया कि अभी हमने खाला से भी बात की है तो उनका बोलना था कि ये पानी के चलते मैं ये बंद कर देती हूँ, अभी घर ही भेज डालती हूँ, यहाँ से मसला ही हल कर देती हूँ। उनकी तबीयत तो हमने देखे, उन्होंने खड़े रह सकते हैं ना, बात करने की उनकी इतनी ताकत है, और हमने अभी कुछ वार्ड के इनको बुलाए है पानी प्रोटेन मेलिन सर को बुलाए है। अभी हम मेलिन सर से कुछ बात करेंगे, इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सर ये एरिया आपके अंदर आता है, तो यहाँ जो मसला है ये मसले को हल क्यों नहीं किया जा रहा, और कितने सालों से ये मसला है सर? ये पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं था सर, ये जस्ट अभी थोड़े 1-2 महीने से प्रॉब्लम आने लगा है, और थोड़ा प्रेशर क्या होने का अपना पुरानी लाइनें है, अपनी पुरानी लाइनें, और उसको लग के ड्रेनेज का सिस्टम है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से अपन जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ अपन नया एस्टिमेट लेके नया लाइन डालने का कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ में अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये गली के लिए भी हमने नया प्रपोजल डाल दिया है, इसका मैप भी बन के हो गया है, तो नई लाइन डालने का हमारी कोशिश कर रहे हैं। ये आपने नए प्रोसेस के लिए अभी आपने ऊपर कब ये अर्जी दिया है, कब एप्लीकेशन दिया है? और जस्ट अभी कर ही रहे हैं, इसका रेडी हो गया है मैप वगैरह, एस्टिमेट हम डाल ही रहे हैं। नहीं तो सर मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, जो हमने कल रोड के जो किए थे इंस्पेक्शन वगैरह जो किए थे, तो जब लॉकडाउन 2.5 से 3 महीना था, जब पूरे लोग घर में थे, जो काफी है ना, इतना अच्छा है गवर्नमेंट की चांस है हर चीज का काम करने का, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे रोड का हो गया, चंबर का हो गया, ये तो अक्सर से देखा जाता है, रोड बन रहे हैं, चंबर बन रहे हैं, तो उसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, तो ये मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रही है गवर्नमेंट? सर उसका प्रॉब्लम था, अभी हर एक को, जैसे आप हो या मैं हूँ, खुद को मेरे को हर एक को कोरोना का डर था, तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी थे वो खुद भी और उनके लोग भी काम करने वाले, तो वो भी घर से निकले नहीं। हमने बहुत कोशिश किया कि कुछ काम हो सके, 2 महीने में हम कुछ उसका बेनिफिट उठा सके, लेकिन खुद डर के कामों के लिए वो बाहर निकले। ये डर सिर्फ आप लोगों के हद तक ही देखने को मिला है, पुलिस आरक्षण को नहीं देखा गया है, हॉस्पिटल वालों को नहीं देखा गया, क्यों? इनकी जान नहीं है सर, ये जान में जान नहीं है आपका सवाल, इनको क्या बीवी बच्चे नहीं है? हम लोग रिपोर्टर्स को बीवी बच्चे नहीं है हमारा, आप देखिए जहाँ क्वारंटाइन किया गया है, जहाँ पर पॉजिटिव निकले है, हमारी दबंग मीडिया टीम वहाँ पर पहुंची है, उस घर तक पहुंची है, हमने हमारा प्रिकॉशन लिया है, हम वहाँ जाके क्वारंटाइन करने के हद तक पूरा रुकते हैं, पॉजिटिव है कितने पेशेंट्स है, आजू बाजू वालों को क्या तकलीफ हो रही नहीं हो रही, वो पूरा उस चीज पे हम बात करते हैं, क्यों हमारा घरदार हमारे बीवी बच्चे नहीं है सर? यस सर आपका सही है, आपकी बात तो मैं कभी जानूंगा नहीं, 100% आपकी बात सही है, लेकिन जो हमारे आपने क्या यहाँ के जितने घर से, मैं समझता हूँ नियर अबाउट इतने घर है कि एक टैंकर शायद 1 या 2 घर वाले को पूरना चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से पानी कितने दिन में आता है ये बताइए मुझे आप। अभी अपना शेड्यूल चल रहा था 5 से 6 दिन का, तो थोड़ा अभी MSEB का लॉकडाउन, बीच में ये थोड़ा ये आ गया, प्रतिष्ठा आ गया, उसकी वजह से गड़बड़, 10-10 घंटा लाइट जाना, पारोला की तरफ प्रॉब्लम होना, उसकी वजह से शेड्यूल डिस्टर्ब होने पंपिंग लाइन बंद हो जाता है, और उससे डायरेक्टली वो दिन या 1.5 दिन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना? तो आपने इसके लिए क्या सुविधा दी यहाँ के जो पब्लिक है जो परेशान हुई, आप लोगों ने कोई टैंकर का सुविधा की कॉर्पोरेशन ने, इनको भी आपने ऐसी राहत दी है कि भाई आपको नल का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी ऐसे हमारे खाना से बात करेंगे पीछे बैठे हुए, अब इनकी जान से इन्होंने चल सक रहे, तो इन्होंने पानी कैसे बाहर से भरेंगे और कैसे आएंगे? आपने कुछ टैंकर्स वगैरह का इंतजाम किया? प्रोविजन अपने एरिया में नहीं था इधर, लेकिन जैसा रिक्वायरमेंट अगर आता, इतना अगर प्रॉब्लम है तो पब्लिक को पूरा हैंडल में लेता। सर मुझे एक बात बताइए, रिटर्न आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप एक अधिकारी है, एक गवर्नमेंट अधिकारी है, आपको ये चीज समझ में आ रही है, आज आप ऑन कैमरा में बता रही है, 2-2.5 महीने से ये चल ही रहा है, और इससे पहले भी काफी चल ही रहा था। क्या पब्लिक, मतलब मैं हर टाइम यही कह रहा हूँ, कल भी मैंने जो इंटरव्यूज लिए मैं यही कह रहा हूँ कि पब्लिक को आप क्या भड़काना चाहते हैं या पब्लिक से क्या चाहते हैं? इतने महामारी का इतना दौर चल रहा है, इतनी बीमारी चल रही, और पब्लिक बेचारी किस, मतलब क्या सहना और कितना सहना, मुझे ये समझ में नहीं। क्या गवर्नमेंट चेंज होने का इंतजार करना, या मैंने पब्लिक को, ऑन पब्लिक ये बोलना कि अभी 4 साल अपन एक काम करो, दम मार के बैठो, जब तक नहीं सरकार नहीं आएगी उसके बाद अपन सोचेंगे, ये मैं मैसेज दूं पब्लिक को? नहीं, ऐसी गलत बात नहीं है, तो हमसे जितनी कोशिश हो सकती है कॉर्पोरेशन
पूरी पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सेवा के लिए है। जितना हमसे हो सकता है हम कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पानी मिले, उनका आरोग्य सेवा अच्छी मिले, तो पूरा कॉर्पोरेशन अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए दो महीना ढाई महीना हो गया जब तक अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। आज हम दबंग माध्यम की टीम से दबंग माध्यम की टीम से हम है। अब हमारे को अब क्या आप कमिटमेंट देते हैं कि आप कितने दिन में आप इसको सॉल्व करेंगे? अगर एस्टिमेट बन के हमारा जल्द से जल्द, अगर हमारे जो ऊपर के अधिकारी है, हमारे कार्यकारी अभियंता साहब है, डिप्टी इंजीनियर है, जल्द से नाम बोलिए सर। सर आपके कौन कौन है जो भी अधिकारी से आप बोल रहे हैं, नाम बोलिए मुझे। हमारे डिप्टी इंजीनियर साहब है पद्मे साहब, कार्यकारी अभियंता साहब है हमारे घाने साहब। जल्द से जल्द अगर परमिशन मिल जाती है, ये साहब लोग कभी यहाँ पर विजिट दिए सर आज तक? नहीं। ये साहब लोगों ने कभी फोन उठाए? 5 साल में 3 बार आए पद्मे साहब, 5 साल में मेरे वार्ड में 3 बार आए, और उनको मुस्लिम इलाकों में काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा। दिन भी जब मैंने लाया तो उनको ऑफिस जाके मेरे को आना पड़ा। ये आपका जो स्टेटमेंट सुना आज मैंने, देखिए हम जो दबंग मीडिया के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, हम तो कोई रिलीजन के ऊपर काम नहीं करते। हमारे सामने जो भी एक मुसीबत वाला आता है, जिसको तकलीफ है, हम उस पर काम करते हैं। पर आपने ये जो मुस्लिम एरिया का बोले, तो मैं पूछना चाहूंगा कि उनको ये स्पेशलिटी क्यों है इस चीज़ की? पता नहीं सर, अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा आपको जाके, क्योंकि 5 साल में मेरे पास मैं बता सकता कि 3 या 4 बार उनकी विजिट हुई, नए तो उनके जेई आते थे, अभी इन्होंने अभी नए ज्वाइन हुए। सर आपके पास तो मैं समझता हूँ ये एक्स कॉर्पोरेटर के साथ में आप जुड़े हुए हैं, आपके पास इतने पावर है कि आप उनको ये सवाल कर सकते थे, क्यों नहीं करे आपने? बिल्कुल करे ना साहब, मेरे ऊपर गुना दाखिल है। अच्छा, तो गुना दाखिल है तो आपने मीडिया में या फिर कंप्लेंट किए? नहीं, मैंने डायरेक्ट उनके सामने किया था एनपाई के दागी गुप्ता। अच्छा सर, अभी आपके अधिकारी वगैरह कब तक आएंगे? मैं क्या अपेक्षा करूँ इस चीज के बारे में? नहीं, हम जल्द से जल्द या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 2 दिन में सॉल्व होना सर, मैं अभी सब यहाँ के जितने भी पब्लिक है, मैं इनसे सबसे अभी ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने जितना भी बर्दाश्त किए, 2 दिन और बर्दाश्त कीजिए। अगर नहीं होता है तो मैं आप लोगों के साथ में चलूंगा कॉर्पोरेशन में, वहाँ जाके क्या करना है, धरना डालना है या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना है, जो भी करना है। जब अगर किसी को तकलीफ होती है, किसी का पेट दुखता है, किसी को कुछ होता है, तो ऑब्वियसली वो दवाखाने में जाता है। अभी इन्होंने हमारे को ये साहब आए हुए अभी पानी पुरोटन से, उन्होंने 2 दिन का कहा है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर आप सर टैंकर साहब यहाँ पर अवेलेबल बोलूंगा। टैंकर का एक टैंकर का मैं बोलूंगा। आपने जैसे अभी कहा 2 दिन, मतलब हमको पूरा एस्टीमेट वगैरह पुटअप करने के लिए लगे, ये मेंटेनेंस 2 दिन में चालू करें, कल से मेंटेनेंस चालू रहेंगे, कल से हम शुरू कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं आ रहा है पानी, कहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ तक पूरा खोलना है, वहाँ खोल के देखना। दूसरी बात, अच्छा एक सवाल है सर, मुझे इतना बता दीजिए, आपसे जो भी कल से काम चलूंगा और जब तक काम फिनिश नहीं होता, जब तक पब्लिक को मैंने क्या मैसेज देना है, पानी कहाँ से लाना है, कैसा करना, ये आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? अगली सप्लाई तक तो बहुत सारा हो जाएगा। अगली सप्ताह तक हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगली सप्ताह, मतलब जो नेक्स्ट पानी का दिन जो रहता है। अच्छा, तब तक हम पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा सॉल्व हो जाए, 100% सॉल्व। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? इधर बोलना चाहेंगे, मसला ये है कि ये गली के लिए मैंने आगे की 3 गलियां बंद कर चुका हूँ। ये गली के लिए मैंने सहीदे का वार्ड कट करके इसको सेपरेट कर लिया, लेकिन ये गली का ऐसा प्रॉब्लम है और अल्लाह बेहतर जाने क्या है, ये DI लाइन है, इसके पहले जो थी नीचे AC लाइन की 7 फीट, ये DI लाइन मैंने जोड़ने के बाद भी, और मसला क्या है, हर घर में यहाँ पे 3-4 नल है और अपन बोल नहीं सकते कि भाई आप कट करो, और सेकंड टप्पा देने के बाद यहाँ पे मैं पानी ज्यादा देता हूँ 3 घंटे। नहीं तो आप क्यों देता हूँ पहले 2 घंटे? सर आप क्यों नहीं बोल सकते? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पब्लिक को जब तकलीफ हुई है, पब्लिक आज मीडिया को बुला सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये इस चीज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम किसी के ना हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम गलत काम के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो गलत काम के अगेंस्ट कर रहे हैं। ये गलत काम इसमें क्या, ये बताइए ना मेरे बाप। नहीं, अगर आप बोल रहे हैं 3 नल का लोग टैक्स दे रहे हैं, बताओ ना बताओ किसकी, तो आप मुझे ये प्रूफ दीजिए 3 नल जिसके पास है। बिल्कुल पूरी गली में पानी जब नहीं आ रहा। एक मिनट सुनिए सर, मैं बात बता, आप मेरी बात तो करने दीजिए सर, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। 2 घंटे पहले उनको पानी देते, ये टप्पा, उसके बाद 2 घंटे उधर पानी देते, सर 1 घंटा इधर पानी क्यों लगाते हैं उनके, ये घरों को जो पानी नहीं मिलता तो ये आगे वाले मोटर्स बंद नहीं करते, 2 घंटा पानी मिलने के बाद भी बंद नहीं करते, उनके हाथ पैर सब जोड़ के बोल दिया मैंने सर ये बंद कर दो। अब स्ट्रिक्टली मैंने साहब लोगों को बोला, साहब जिसके भी एक्स्ट्रा कनेक्शन है वो कट कर दो, और अगर उन्होंने भरना चाह रहे इसमें बीच में थोड़ा समय, उन्होंने अगर भरना चाह रहे 4 नल के टैक्स, 4 नल उनके घर में, हमको कोई लेना देना नहीं। गैरेज आपका बोलना लगभग 90% सही है, कि मैं खुद हर एरिया में जब बोलता हूँ पब्लिक को बोलता हूँ, यार पानी बर्बाद मत करो, आप धो के गाड़ियाँ धो, ये धो नाला, हमने क्या करना, इलीगल नल कम से कम हर घर में 2-3 कई अगर कंप्लेन आई है,
लेकिन फिर भी पब्लिक सुनती नहीं। अच्छा ये बात और पे छोड़ जाइए सर, ये जो आप बता रहे हैं बाद में जो बात टैंकर्स की आप पूछ रहे थे, एक घंटा टैंकर अवेलेबल क्यों नहीं हो रहे? एक मिनट, एक घंटा जो पानी दिया जाता है बाद में ये घरों के लिए, तो आगे वाले मोटर बंद नहीं करते, उनके पास इतना स्टोरेज कैसा है कि वो एक घंटा और आगे चालू करके वो स्टोरेज करते हैं? अगली सप्लाई में मैं आपकी दवा मीडिया को बुलाऊंगा यार। बिल्कुल बुलाइए, दो घंटे सप्लाई देने के बाद अगली सप्लाई में बुलाऊंगा, लेकिन कब बुलाऊंगा? ये सप्लाई में बुलाऊंगा कभी बुलाऊंगा, क्योंकि मैं अगर अभी बोल दूंगा कि अगली सप्लाई में बुलाऊंगा तो आप देख लेना कितने नले और कितने नलों से पानी भरा जाता है पीछे। बिल्कुल हम आपके लिए अवेलेबल है, बिल्कुल, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं अर्जेंट बुलाऊंगा, कभी भी बुलाऊंगा मैं बुला लूंगा। बिल्कुल सर, मैंने आपको स्ट्रिक्टली इतना बोल दिया क्योंकि ये लोगों की परेशानी देख के मैंने स्ट्रिक्टली साहब को बोल दिया, मतलब साहब आप हर घर के टैक्स चेक करो और जिसके घर में एक्स्ट्रा नल है कट करो, और अगर उन्होंने चार नल का टैक्स भरना चाह रहे सर तो बिल्कुल वो चार नल उनके घर में रहने। एक मिनट, अभी मैं आड़े घर जितने भी सब कट करा सर, मैं अभी एक बात करना चाहूंगा, मैं दबंग मीडिया के उससे अभी हमने एक जो गली नंबर एक में आए हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप सबके घर है यहाँ पर लगभग जो आप लोग खड़े, ये जो अभी बताया जावेद सर ने और यहाँ पर आप लोगों के पास कितने कितने नल थे सर? और जैसे आप बता रहे थे चाचा कि एक नल में पानी नहीं आया तो दूसरे नल से भरने की कोशिश करते हैं, जब एक पाइप लाइन है उसमें एक नल लो या चार नल लो पानी तो उतना ही आएगा, अगर आता है अगर आपके दो नल में तो दूसरों को किसी को तकलीफ होगी, ये जाहिर सी बात है। आप एक बात बताइए, आप ये समझते हैं क्या कि किसी अपना पेड़ भरने के लिए किसी को टोटल भूखा रख दिया जाए, ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही है। फिर आप अगर दो नल या तीन नल दे रहे हैं, आपके एक नल के पास नहीं है, जिनके पास है उनका आप चेक कर लीजिए। नहीं करेंगे ना, जब देखिए अगर आज हम अगर गवर्नमेंट को अगर आज हम ऊपर से नीचे तक खदड़ते हुए लेके आएंगे तो गवर्नमेंट भी आपको या हमको लेके आएंगी ना सर, उनको हमें जवाब देना पड़ेगा। जब हम आपके साथ है तो आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर देखिए हमने अभी घर वालों से बात की है, इनका बोलना है कि कुछ घरों में ठीक है, हम गाड़ी सर को बोलेंगे कि आप थोड़ा सा सर्वे कीजिए और हमें इस चीज के बारे में बताइए। हम अभी यहाँ पर टैंकर की बात बोलना चाह रहा हूँ, टैंकर जो अवेलेबल नहीं कराते पद्मे साहब, हमको टाकी पे बैठना पड़ता है, ये अयुब भाई का बच्चा है अशरफ बोल के, उस दिन हमने दो ढाई घंटे टाकी पे बैठ के टैंकर अवेलेबल कराए, क्योंकि जब यहाँ पे पानी नहीं आ रहा तो मैंने उनको बोल दिया साहब जब तक वहाँ पानी नहीं आता आपने चार टैंकर रेगुलर भेजना वहाँ, बिल्कुल भेजो। उन्होंने बोलते हैं वहाँ टाकी पे जाने के बाद सोनू ने उनका टाकी इंचार्ज, वो बोलता पद्मे साहब का फोन नहीं आया, मैं कहाँ से भेजू टैंकर, अब यहाँ पे पानी नहीं है तो देना कौन पानी? ठीक है सर, आप ये पद्मे साहब का है कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा ना कि भाई सोनू ने वहाँ पे चार टैंकर डेली जाना खत्म होगी बात, वो टैंकर आएंगे और खुद खाली होंगे, लेकिन पद्मे साहब जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पद्मे साहब के से भी बात करेंगे, उनका नंबर आप हमें दीजिए, हम बात कर ले। और जरा हम खाले से यहाँ बात करना चाहेंगे, जिन्होंने अपना घर बेचने को निकाल दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, इंसान इतना बेबस हो गया और इतना लाचार हो गया कि वो अपना घर बेचने आ गए। खाला जान आपका नाम बोलिए। मेरा नाम फैजुल निसा जी। आप कहाँ पर रहते हैं? ये है मेरी। अच्छा, आपका ये लास्ट का घर है। आपको क्या तकलीफ आ रही है और कब से आ रही है? पानी से नहीं आता, अभी तो अभी बीच में आता, अब तो आ रहा है इसमें। अच्छा, उसके लिए आपने क्या किए? घर निकालने को निकाले, क्या करेंगे? अच्छा, अच्छा हमारा बच्चा काम पे जा रहा है। अच्छा, आपके घर में और कितने लोग हैं? हमारे घर में तीन लोग हैं, तीन छोटे बच्चे। अच्छा, तो अभी जो पानी नहीं आ रहा तो आप कहाँ से पानी ले रहे हैं, किस तरीके से? इनसे मंग मंग के, इनसे मंग के, उनसे मंग के भर रहे हैं, जिसके वहाँ आ रहे नाला। ये हमने बात की है, बहुत शर्मनाक बात है ये तो टैंकर मंगा। एक्स कॉर्पोरेटर अजीम खान साहब आए हुए हैं, तो हम उनसे भी कुछ बात तलब करेंगे कि उन्होंने ये गली के लिए क्या क्या किया है और किसे ये कंप्लेंट किए है, किस तरीके से किया है, उस पर क्या इस मसले पे क्या हल निकला है। तो मैं अजीम साहब से कुछ पूछना चाहूंगा सर। मैं अजीम खान, माजी नगर सेवक, वार्ड नंबर 3 शरीफ कॉलोनी। ये गली नंबर 1 का मसला आपसे नहीं है, ये गली नंबर 1 का मसला तकरीबन बहुत सालों से चढ़ रहा, फिर भी हमने कोशिश करे थे इसमें जो आगे थोड़े पाइप डाल के पीछे वाले घरों को पानी आ रहा था बीच में, फिर बाद में वो कुछ मेन लाइन का कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से जो हमने वो वाल्व आगे कट करे थे वो शहीद बेगे वार्ड का, वार्ड नंबर 44 और 43 की पाइपलाइन एक ही चमरी माता से जो आती, तो उसमें कुछ अपने कॉर्पोरेशन वालों ने कुछ काम करे थे, उसके बाद में फिर ये गली का मसला शुरू हो गया। उस ताल्लुक से मैं कमिश्नर साहब को ये आपको बताता मेरा मोबाइल, मैं 28 जनवरी से फॉलो अप ले रहा कमिश्नर साहब का, मैंने उनको अभी बीच में और अभी 14 अप्रैल 3 मई फिर 4 मई फिर 9 मई फिर 3 जून ये 4 जून उनको मैंने ऐसे वीडियो भी डाला हूँ, जो पानी गंदा आ रहा था उनको मैंने वीडियो भी डाला, और साहब का बोलना आता कि भाई मैसेज करिए, एसएमएस करिए कि उनको मैंने वीडियो डाला था पानी के, आस्ती कुमार पांडे साहब को, कमिश्नर को। और इसमें हमारा एक वार्ड का एक जोन नंबर 3 का एक ग्रुप बने हुआ है,
वो जोन नंबर 3 के ग्रुप में हमारे डिप्टी इंजीनियर पद्मे साहब है, उनको फ़ोन पे फॉलोअप लिया कि हमारे कली मास्टर साहब है, उनको मैंने उस दिन रिकॉर्डिंग सुनाया। पद्मे साहब का बोलना आ रहा कि कमिश्नर साहब ने बोले कोई काम नहीं होगा, सिर्फ कोरोना और ये जो बीमारी चढ़ी इसके बारे में बात करो, पानी के कचरे के इसके उसके बारे में बात मत करो। पद्मे साहब का ऐसा बोलना है डिप्टी इंजीनियर का, उनका बोलना है कि कमिश्नर साहब का खुला वो है कि भाई अभी जो काम है पेंडिंग पड़े रहने दो, इनको बाद में देखेंगे। अभी कोरोना से महामारी जो चढ़ रही पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में, उससे निपटने के लिए काम कर रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं कमिश्नर साहब को बोलना चाहूँगा। और दूसरी बात, हमारे पद्मे साहब को फ़ोन करें तो पद्मे साहब बोलते लेबर नहीं है, लेबर अगर अपने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करे नूर कंस्ट्रक्शन वाले इमरान को या किसी को, तो वो बोलते साहब हमारी पेमेंट नहीं हो रही। अब ये पूरे मसले का हल जो है सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर साहब के हाथ में है, कमिश्नर साहब ने अब इसको हल निकालना चाहिए। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा तो उसको क्या पेमेंट देना है नहीं देना है वो उनकी जिम्मेदारी, उसमें अपन बोल नहीं सकते। मगर जो पब्लिक का हरासमेंट हो रही है, पब्लिक सफ़र हो रही, अभी ये इतने एजेड लोग आए, एक अली मास्टर साहब है पूरा, वो उनको चाचा को बताओ वो चाचा है ये है नहीं दूर से बता दो, अभी ऐसे उम्र रसीदा लोग अगर ऐसा रहेंगे तो कैसा होना, कब तक परेशान होना ये लोगों ने। तो इसका कुछ ना कुछ टालना निकालना पड़ेगा भाई, पानी भी अत्यावश्यक सेवा है, मूलभूत सुविधा है, इसको आपको कॉर्पोरेशन को प्रोवाइड करना चाहिए। अब हमारा बोलना ये है कमिश्नर साहब से कि मेहरबानी करिए, मेरे जो मैंने आपको जो मैसेज करा ग्रुप पे, जो मैसेज डाला व्हाट्सएप पे, जो मैसेज करा टेक्स्ट मैसेज जो करा, उसका रिप्लाई दीजिए। और ये जो गली का काम है ये नहीं, अरफात मस्जिद के 5 नंबर गली का भी काम है और रोशन मस्जिद के पास के एक गली का काम है, मैंने 2-3 काम उनको डाले हुआ है मगर उसका अभी तक कुछ फॉलोअप नहीं हुआ। हमारे पद्मे साहब डिप्टी इंजीनियर बिल्कुल फेल आदमी है, उनको फ़ोन करे तो बोलते भाई लेबर नहीं है, लेबर को अपने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करे तो बोलते भाई पेमेंट नहीं है, तब करना क्या। इसका हल मैं आपसे कमिश्नर साहब से आपके माध्यम से मीडियम के माध्यम से कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेहरबानी करिए कि जो लोग सफ़र हो रहे हैं जो परेशान हो रहे हैं इनकी परेशानी को दूर करिए। तो अभी हमने एक्स कॉर्पोरेटर अजीम खान साहब से बात की है, उन्होंने जो बताया है तो यहाँ पर पद्मे साहब का काफ़ी नाम लिया जा रहा है, जो पद्मे साहब को शायद स्पेशली कुछ इस गली से इस वार्ड से काफ़ी कुछ दिक्कतें ऐसे समझ में आ रही है। तो हम पद्मे साहब से स्पेशली दिबंग मीडिया से हम चाहेंगे कि आप हमसे एक बार मुलाकात कीजिए, हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे, नहीं तो अगर आप इस चीज़ के मसले का हल निकालिए। और कमिश्नर साहब से भी कहेंगे सर ये महामारी अभी ये 2-2.5 महीने से आई है, इसके पहले से भी ये काम लटका हुआ है, काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है, ये अभी 2-2.5 महीने का नहीं, ये 3 साल से हो रहा है। तो मैं कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास ना फंड की कोई प्रॉब्लम है, हर चीज़ का फंड आ रहा है, रोड का फंड आ रहा है, पानी के लिए फंड आ रहा है, और उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है, ये महामारी को क्यों आप इतना मुद्दा बनाया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, तो उसे वो मुद्दे को ज़रा छोड़िए, लोगों की जो पर्सनल तकलीफ है वो तकलीफ को थोड़ा सा सही है, आपको खुद समझ में आएगा अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ आएंगे, एक बार आप विजिट देंगे या आप उस चीज़ से गुजरेंगे। तो मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा, आपका नाम सर? मोहम्मद कलीमुद्दीन। आपको ये क्या तकलीफ और कब से है सर? ये मुसलसिल तकलीफ ही है हमारे को पानी की हमेशा, कभी कभार ये लोग बेचारे कॉर्पोरेटर साहब कोशिश करते हैं, हमेशा जावेद भाई नाजिम भाई हमेशा बेचारे कॉपरेट करते हैं, लेकिन अब जितना उनके बस में है वो उतना कर लेते। उसके बाद जो बताया उन्होंने अभी आपको तफसीलात के भाई कमिश्नर साहब की तरफ से रिस्पांस ही नहीं मिलता, वो जो ऑफिस कनेक्टेड ऑफिसर है वो कोई रिस्पांस नहीं देते हमारे वार्ड को, तो फिर हमारा मसला हल कैसे होगा, हमेशा का मसला है, हमेशा का बेस। अब आपको तो मालूम होना चाहिए कि पानी का मसला बेसिक प्रॉब्लम है, हम दूसरे मसाइल पर तो कोई बात ही नहीं करते आपसे, लेकिन सिर्फ पानी का मसला हमारा जो है हमेशा से है, और ये ऐसा लगता है कि हमेशा रहेंगे क्या है कि, तो अब कब तक ये बर्दाश्त करना हमने। और अगर अब अगर हमारी हद हो गई, अब हद हो गई हमारी बर्दाश्त की, अगर अब इसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, हमारे पानी का सप्लाई सही नहीं किया जाता, तो हम पूरे महल्ले के साथ बाल बच्चों के साथ कॉरपोरेशन में धरना आंदोलन करेंगे। नहीं बस पानी की हमको बहुत तकलीफ है, और कम से कम इतने परेशान है, हम रमजान में भी पूरे परेशान रहे, और लोग जो है तो पानी के लिए कहाँ कहाँ से पानी लाते रह रहे, उधर से जाके ला रहे, लोग कॉपरेट कर रहे, कॉर्पोरेटर भी जावेद मियाँ भी हमेशा रोज आते बेचारे, जब सप्लाई रही एक तो 10 दिन में पानी आ रहा, उसमें भी जो है तो ना मुंह धोने को पानी है, ना नहाने के लिए पानी है, ना हाथ धोने के लिए पानी है, कॉर्पोरेटर के लिए जो है तो इतना बड़ा ऑप्शन बना के रखे, बाकी तुम पानी के तरफ देख ही नहीं रहे इधर गली में। तो इस तरीके से हमने कुछ लोगों से बात की है, जो सबसे बड़ा मसला बताया जा रहा है पानी का। मैं इस चीज़ के बारे में और एक चीज़ बोलूंगा, जैसे अगर कोई फ़ोन उठाता है और कॉल करता है तो सबसे पहले जो कॉलर ट्यून आती है कि क्वारंटाइन के चलते हाथ धो, जब लोगों के पास पानी नहीं रहेगा तो हाथ किस तरीके से धोया जाएगा। बार बार ये बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धो, साबुन से हाथ धो,
तो मैं यही पूछूंगा लोगों को भी कि और गवर्नमेंट को भी यही पूछूंगा कमिश्नर साहब को कि सर ये महामारी बढ़ेंगी नहीं तो क्या होगा, जब आप उसका जो सोल्यूशन है मेन वही नहीं निकाल रहे, पानी नहीं दे रहे तो लोग हाथ कैसे धोएंगे, हाथ नहीं धोएंगे तो बीमारें बढ़ेंगी नहीं तो क्या होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से प्लीज इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा एक कुछ हल निकालिए, नहीं तो ये जो जो धूप है जिस धूप में हम मीडिया वाले और सब खड़े हैं, जरा एक 5 मिनट यहाँ आके खड़े रह के बताइए सर प्लीज। तो मैं दबंग मीडिया के माध्यम से साजिद परियानी इस्माइल हुसैनी के साथ कैमरामैन जावेद सर।